क्वेश्चन नंबर टू हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन, ठीक है, बाय द डिवीजन मेथड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अलजबरिक एक्सप्रेशंस। ये जो मंदरजिल अलजबरी जुमलों का जजर बजर तकसीम मालूम करे, तो इसमें कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले आप अलजबरिक एक्सप्रेशन को तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी असेंडिंग ऑर्डर एक्स की पावर के लिहाज से या मुतगैर की वेरिएबल की पावर के लिहाज से आप उसको लिख लें, ठीक है। वेरिएबल की पावर के हिसाब से आप उसको इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, इसको तरतीब नज़ूली कहते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें जिसको तरतीब सऊदी में कहते हैं, उसमें लिख लें। अब ये पहले से तरतीब शुदा ये कौन सी ऑर्डर है, 4, 3, 2, 1 फिर यहाँ पर 0, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नज़ूली में लिखा हुआ है, तो ठीक है। अब इसका हल देख ले, इसको यहाँ पर आप लिख ले x^4 - 2 x^3 + 3। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, यानी कौन सी ऐसी रकम है कि जो खुद को खुद उसी के साथ मल्टीप्लाई करे या जिसका स्क्वायर ले ले, ये चीज़ आ जाए। x^2 तो x^2 x^2 ये क्या आ जाएगा, x^4, ये माइनस कर ले, ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी क्या आ गया, ये को जो बाकी बचा है, अब 2x^3 + 3x^2 - 2x। अच्छा, सबको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ दो रकम को भी लिख ले। अब तरीका क्या है, इसको आप दुगना कर लें, क्या कर लें, नहीं, दो कोफिशेंट, पावर को ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पर जो कोफिशेंट है उसको दुगना करना है, डबल करना है, खुद इस रकम को डबल करना है। तो x^2 + x^2 या x^2 + 2 ये कितना हो जाएगा, ये करना है आप, इसको आपने डबल करना है, डबल से मुराद कोफिशेंट आपने उसका दुगना करना है, जो भी कोफिशेंट हो उसको आपने डबल लेना है। अगर यहाँ पर पहले से 1 है तो आपने 2 लेना है, 2 है तो आपने 4 लेना है, 3 है तो आपने 6 लेना है, तो डबल करना है, बात क्लियर है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कि ये चीज़ आ जाए। पहली बात तो ये है कि उसको माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, yes। जी, दूसरी बात ये कि 2 पहले से, यहाँ पर पहले से, यहाँ पर देख x^2 है, यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ x के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 1 ये -2, x^2 × x कितना हो जाएगा, या पावर 2 है, ये इसका 1 है तो ये x^3 आ जाएगा, ये ठीक। अच्छा, यहाँ पर खुद जिसके साथ मल्टीप्लाई करें उसको भी यहाँ पर ऐड कर लें, ये याद रखना है। दूसरी मरतबा जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर भी ऐड करना है, यहाँ पर भी आपने ऐड करना है। अच्छा, अभी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख लें, इसको भी खुद उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये याद रखना है। -(-) + x^x (x^2). देखिए, ये मैं यहाँ पर इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले से x^2 है, अगर कोई ऐसी वैल्यू ना हो कि जिसमें x पावर फिट नहीं आ रहा है तो आपने बिल्कुल यहाँ पर इसको साइड में लिखना है, ठीक, बात कर लिया तक। ये एक सवाल आप अच्छी तरह समझे, बाकी सब हल कर सकोगे, ये ख़त्म। कितना आ गया हमारे पास, जी 3 में से 1 ये काउंट होगा, 3x^2 - x^2 ये कितना आ गया हमारे पास, 2x^2, फिर -2x, फिर +1। अच्छा जी, इसको जो पहले से डबल किया था, जिसको पहले आपने डबल किया था उसको दोबारा डबल नहीं करना, एक मरतबा आपने इसको डबल करना, ये यहाँ पर आ गया, ये पहली मरतबा हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ इसको डबल करना है, इसका क्या होगा, यस। अब आप मुझे बताएं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कि ये चीज़ आ जाए, जमा एक, शाबाश, उसी जमे को आपने यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है, इतना सा काम है। अब इन सबको पहली बारी बारी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × x (2x^2) -2 × 1 (2x) +1 × 1 + 1, देखें -, -, + ये माइनस, ये भी कैंसल, ये भी, ये भी, जॉब क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक। 10 क्या आ गया हमारे पास, x^4 - 2x^3 +
3x square minus 2x plus 1, इसका जजर या जजरुल मुरब्बा या स्क्वायर रूट, ये पता है किसके बराबर होगा? ये जो कोफिशेंट है, द कोफिशेंट सॉरी द कोशंट, ठीक है, द कोशंट या हासिल तकसीम, ये हमारा क्या है? जजरुल मुरब्बा, ये हमारा आंसर है, ये दिस इज आवर स्क्वायर रूट, ठीक है, या जजरुल मुरब्बा। प्लस माइनस लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज आवर आंसर, ठीक, ये जजर या स्क्वायर रूट। सो दैट इज इट। नए आने वाले वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि अपने हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। सवाल अच्छी तरह समझाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, उनको भी इनवाइट कर लें ताकि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाएँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।